एक गीत सुनाने का प्रयास कर रही हूँ और आदरणीय भैया पहले तर्ज को सुनिएगा, विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। भैया हारमोनियम अगर हो जाए तो थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, सही कोई है नहीं क्या? अगर हो जाए तो डिस्टर्ब ना करिएगा, जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसे रहने दीजिए। हेलो हेलो, केवल हारमोनियम का बढ़ाइएगा। धन्यवाद। हेलो 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 हेलो, हाँ बहुत बढ़िया, रहने दीजिए आप डिस्टर्ब में, वहां से उसका बॉक्स बढ़ गया। हेलो 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 हेलो, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, अरे मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें भी आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। एक तर्ज बजी आदरणीय बड़े भैया, सुने अच्छा लगेगा आपको। अरे जितना ये
संत रविदास जयंती जी के उपलक्ष्य में, और आप कहीं भी किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी देवता के मंदिर में जाएं, देवी के मंदिर में जाएं, आपको बाबा बजरंगबली की प्रतिमा जरूर मिलेगी। तो आइए बाबा के चरणों में गीत रखती हूँ और आप लोगों से निवेदन है गीत को सुनेगा। हेलो 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 हेलो। बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता है, बस थोड़ी सी डिस्टर्बिंग साउंड से हो रही है। हेलो 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 हेलो। ये विषय देखे पीछे से सी चल रहा है। हेलो 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 हेलो। बस छोड़ दीजिए, धन्यवाद। सुत की
लिए, इसीलिए कहना है छोटे करते हैं। कई कई प्रमाण मिला है, पूरे शरीर में राम राम लिखा मिला है, कहीं कहीं प्रमाण मिलता है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि सीना चीर कर दिखाया, इधर भी सीताराम और उधर सिंहासन पर भी सीताराम, ठीक है, इसलिए कहना है क्या हृदय में धारण कीने है हरि, तुम सके समान रूपे कपिधर। बजरंग बली की बात हो रही है और सीटी बजा रहे हो, बहुत गंदी बात है। बताओ, ब्रह्मचारी की बात है, सीटी बज रही है, सीटी बजा रहे हो, हमारी आवाज नहीं बढ़ा रहे हो। ऐसे कई रूप बना रहे हैं तो धन्य अंजी।
लेकर आया, खास सोच के गाना आज गवाए जा रहे हैं। बात आई है, बहुत अच्छा गीत आपने दिया है हनुमान जी के विषय में, आपने गीत लिखा है और एक होशियारी की है कि आधी चौपाई का प्रस्तुतिकरण किया है। जैसे राम काज हो काम तुम्हारा और सुनते ही भयो पर्वताकार, विशेषता दी है आपने। अब आप जवाब देखेगा कि जवाब लाया कैसे जाएगा, ये एक समस्या जगह भैया, लेकिन जवाब लाएंगे लाल मन। अगर लाल मन जवाब नहीं लाएंगे तो फिर कोई नहीं लाएगा। जवाब लाऊंगा और अच्छा जवाब लाऊंगा। क्यों? गाना पहले घर में पढ़ा करो, उसकी रियाज किया करो, तब हमारे सामने लाया करो। ये 51 रुपए हमारे छोटे भाई हैं और रिंकी के रचनाकार हैं, और रिंकी के रचनाकार नहीं बल्कि पति परमेश्वर हैं। और हमारे छोटे भाई हैं श्री ब्रजेश तिवारी, पप्पू परवाना जी, इनके तरफ से 51 मुद्राएं हैं, हमारी तरफ से आशीर्वाद है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं आपको, आप दोनों को हृदय से आशीर्वाद है, हृदय से प्यार है। अब जवाब देखेगा, अब हनुमान जी की बात आई है तो एक बात अपनी तरफ से शुरू हो जाए। अरे प्रभु रसिया राम लखन सीता मन बसिया, तो सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा। जरावा जवाब देखेगा, आओ का पूरा हनुमान चालीसा याद है। अरे प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, अरे वो बजरंग चलते अनोखी चाल, वो बजरंग चलते अनोखी चाल, अब जब हनुमान जी महाराज विभीषण के पास पहुंचे
तो देखेगा साहब राम राम ते ही सुमिरन की ना क्या बात है ढोलक बजाने प्रातः काल बेला में हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए और लंका प्रातः काल जब पहुंचे तो इधर विभीषण जगे और विभीषण के जगते ही उनके मुख से राम राम की ध्वनि को सुना हनुमान जी महाराज ने तो कहा अरे यहाँ राम को चाहने वाला कौन तो महात्मा तुलसी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है आदरणीय रिंकी जी देखे आप राम राम सुमिरन की ना हृदय हरसी कपि सज्जन जीना और पता जान की काहे लीना हो मान गई वो माता जान की मान गई वो माता जान की अरे मुश्किल देंगे ताल वो बजरंग अरे वो बजरंग चलते अनोखी चाल आगे बढ़ रहा हूं विद्वानों के बीच में एक लाइन और लाया हूं मैं कि लंका नगर में भीड़े लंका नगर में फिर अकेला और बाढ़ी पूछ किन कपि खेला और रहा नखते वाते बजरंग चलते अनोखी चाल बजरंग चलते अनोखी चाल इतना काम करो लेकिन नफा तुला हो अच्छा हो। आइए साहब एक गीत मेरी तरफ।